दरिया दिल दिखाई है तूने, 10 का नोट और दिल के मामले में इतनी कंजूस। सिक्कों और दिल में शायद यही फर्क होता है मोहिनी। अरे भाई क्या कर रहे हो, हम गरीबों का पैसा क्यों लूट रहे हो? गुल्ला पैर हटा पैसे से, ये टैक्स है अपन का, गुल्ला टैक्स। पैर हटा वरना तेरा बाया कंधा सीधा कर दूंगा। बरसो रे बरसो। अबला नारी जाइए जाइए। इंस्पेक्टर साहब मेरी गलती नहीं है। अरे गुंडागिरी करता है इंस्पेक्टर साहब, मेरी चल। हनी चल पुलिस को बता देते हैं, विजय की कोई गलती नहीं है, उसने तो हमारे लिए ही। अबला नारी जाइए जाइए। हनी चल पुलिस को बता देते हैं, विजय की कोई गलती नहीं है, उसने तो हमारे लिए ही। देखो विजय, यूं ही एक राय दे रहा हूं, यह जो तुम्हारा रिएक्ट करने का तरीका है, यह एक दिन तुम्हें किसी बड़ी परेशानी में डाल सकता है। परेशानियों के डर से मैं बुजदिल नहीं बन सकता इंस्पेक्टर साहब, मुझसे जो हुआ वो सही है बस। अरे यार अब बहुत हो गया, चल 10 रकत मार जल्दी। अस्पताल और पुलिस स्टेशन से जितना जल्दी हो सके निकल जाना चाहिए, नहीं साहब? हाँ, और कोशिश यह भी रहनी चाहिए कि यहां दोबारा आना न पड़े। थैंक यू। मैं तो परेशान हो गया, पता नहीं तुझसे इतना कैसे जुड़ गया हूं मैं। चल। थैंक यू इंस्पेक्टर। राम कसम 6 घंटे हो गए, पानी तक नहीं गया हलक के नीचे। इंस्पेक्टर मैं विजय सक्सेना का बड़ा भाई निर्भय सक्सेना। वो उसकी जमानत हो गई, अभी अभी गया वो। किसने ली जमानत उसकी? ये बाबूराम के साथ आपका क्या रिश्ता है? आपकी जमानत उसने क्यों ली? कुछ पूछ रहा हूं मैं। छोड़िए ना, जाने दीजिए, वहां उठता बैठता इसलिए। हाँ, लेकिन वहां उसके होटल में बैठकर आप करते क्या है? सारा दिन आवारा लोगों के साथ तफरी मौज मस्ती। मैंने कभी इस बात को लेकर तुम्हें नहीं डांटा फटकारा कि काम काज नहीं है तुम्हारे पास, लेकिन काम नहीं होने का मतलब यह तो नहीं है कि आप वक्त बर्बाद करें, अपना बेढंगे लोगों के साथ रिश्ते बनाए। और ये गुंडे मवालियों के साथ उलझने की जरूरत क्या थी तुम्हें? भैया वो लोग एक भिखारी को सता रहे थे। हाँ मगर आप हैं क्या? और भी तो लोग वहां ये सब देख रहे होंगे, ये मारपीट की नौबत कैसे आई? आप मेरी बात तो सुन। देखो ऐसे लोगों के साथ हमारा कोई मुकाबला नहीं, जितना हो सके इनसे दूर रहना चाहिए। कभी कोई ऐसी मुश्किल मत पैदा कर देना जिसकी वजह से मुझे किसी के सामने मदद के लिए सर झुकाना पड़े, क्योंकि स्वाभिमान ही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी है। चलो नाश्ता कर लो। आओ आओ विजू। यस इंस्पेक्टर साहब, वो विजय। विजय सक्सेना जी, उनकी तो जमानत हो गई है। ओह, लेकिन गलती तो दरअसल विजय की थी ही नहीं इंस्पेक्टर साहब, वो गुंडे उस भिखारी से पैसे छीन रहे थे, विजय ने तो बस उन्हें रोका था। ये बात अगर आप कल बता देती तो रात भर उन्हें लॉकअप में नहीं रहना पड़ता।
जी।